नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बाईसी। बाईसी प्रखंड मुख्यालय के प्लस टू उच्च विद्यालय बाईसी के प्रांगण में मुंबई महाराष्ट्र आय शिक्षा विशेषज्ञ मुबारक कापरी ने पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके अभिभावक का भी हौसला बढ़ाया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की पढ़ाई में उनका माँ बाप का रोल आम होता है। बच्चों का पहला स्कूल उनका घर और पहला शिक्षक माँ बाप होता है। शिक्षक बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चे घर पर पढ़ते हैं, और यदि इस बीच जिस बच्चे का अभिभावक जागरूक होगा उन्हीं का बच्चा जहां में कामयाब होगा। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनके अभिभावक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज सीमांचल का शिक्षा दर बहुत नीचे है। यहां पर अभिभावक का ध्यान अपने बच्चों को पढ़ने पर नहीं, जिस पर सीमांचल के बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ के लोगों का भावना है कि कोई भी नौकरी में जाने के लिए अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया जाता है, मगर ये बिल्कुल गलत है। यदि आप पढ़ाई के प्रति सहज हैं तो कामयाबी आपको अवश्य ही मिलेगी। उन्होंने बच्चों के अभिभावक से कहा कि आप खुद भूखे रहेंगे मगर बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे। वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष वो अमर विधायक अख्तरुल इमान ने भी कहा कि सीमांचल के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इनकी यह लड़ाई सरकार से भी जारी रहेगी। अभी अमोर में उनकी कोशिश से 2 हाई स्कूल में हॉस्टल खोला गया ताकि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सके। सरकार की ओर से भी सीमांचल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस कारण सीमांचल के बच्चे काफी पीछे हैं। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के प्रति लगाव नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इल्म बहुत जरूरी है। वहीं इस मौके पर अमोर विधायक अख्तरुल इमान, मंच संचालक आदिल हुसैन, AIMIM के जिला अध्यक्ष नदीम अख्तर, तहफील साहेब नईम अख्तर, प्रोफेसर RD पासवान, एडवोकेट अजीजुर रहमान, हरमुज आलम, महफूज आलम, आबिद आलम, मुकर्रम आलम एवं तरनबीर आलम समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद थे। ये पूर्वांचल के लिए सीमांचल के लिए पूर्णिया और किशनगंज के इलाकों में तालीमी बेदारी कारवा, यहाँ पर जो तालीम के ताल्लुक से बेदारी जागरूकता पैदा करने के लिए निकला हुआ है, जिसके मोहरिक जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, और ये चलेगा जहाँ पर उनसे बच्चों से, वालिदैन से और टीचर्स से हम गुफ्तगू करेंगे और उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे और उनके ताल्लुक से कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ रास्ता बताएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कोविड के बाद जो सिलसिला बड़ा टूटता नजर रहा था तालीम के बारे में, तो उसको जोड़ने, उस कड़ी को जोड़ने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है। सर, आपने दौरा किया सीमांचल का, उसमें इल्ज़ाम नहीं लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। सभी फैक्टर्स जो हैं वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ कमी रहती है और कुछ जगहों पर जो है वो कहीं पर जो है मजबूती भी है, लेकिन आज़ादी के बाद से जो है वो ये इलाका नज़रअंदाज किया जाता रहा है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। ये बड़े दुख की बात है। अब ये है कि इस किस्म के जो तालीम को लेकर कोई इशू लेकर जो आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं, इस वजह से इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि बेदारी आ जाएगी। साउथ दौरा कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, ये सीमांचल तालीमी इनकलाबी जो दौरा है, कारवा है और मुख्तलिफ जगहों पर जलसे हो रहे हैं, वो दोनों मकसद है। बेदारी तो बहुत हमारे समाज में आ गई है, हर गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है कि एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वहाँ जाता है तो बसता है, दोपहर का खाना है, पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं तो किसी के पास फीस नहीं है, तो मसाइल कई हैं। मसाइल सिर्फ तालीमी बेदारी का नहीं है, बल्कि मसला इस वक्त है मेयारी तालीम का, एक्सलेंसी का, कि हमारे बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर सकें। अभी देखा यह जा रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा है, सैलाब है, खेत फसलों की कीमत कम है, रोज़गार के मौके नहीं हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो वजह है पिछड़ेपन की वो ये है कि यहाँ अच्छे तालीमी इदारे सरकार ने अब तक नहीं खोले, और यहाँ की जो आबादी है, हमने दूल्हा सजाने का, शादी बड़ी से बड़ी कराने का प्रोग्राम तो है, लेकिन अपने बच्चों को आला और मेयारी तालीम दिलाने की हमारी सोच नहीं है। तो अवामी सोच भी तब्दील हो और सरकार हमारे बच्चों से को पढ़ाए भी, जो हमको तालीम के नाम पर टैक्स लेती है, उन दोनों जहत पे काम करना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे अच्छे अंदाज में पढ़ें, मोबाइल के फितनों से कैसे बचें, मोबाइल को पॉजिटिव कैसे इस्तेमाल करें, टीचरों के क्या मसाइल हैं, वालदेन की क्या जिम्मेदारी है, सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है, इन्हीं तमाम तर मौजूदात पर बात करने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ जो स्कॉलर हैं, एजुकेशन के मैदान में बड़ा काम है,
5000 से ज़्यादा उसने खुतबे दिए हैं बच्चों के, टीचरों के, सोसाइटी के लिए उसने कई कई किताबें लिखी हैं और बड़ा मसरूफ रहते हैं वो इल्मी तहरीक में। मुबारक कापड़ी साहब यहाँ आए हैं जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें एक सबील ये भी है कि आवाम में बेदारी और जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि अगर असम्बली की मेरी काविशों को देखें तो मैं तालीमी इदारों के लिए मुसलसल लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में अभी 2 हाई स्कूल को हमने लिया है जहाँ हॉस्टल खोलने जा रहे हैं, तालीमी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कश्ती के डूबने का नहीं सिर्फ मल्ला जिम्मेदार, बैठने वाले को भी ज़रा सलीका चाहिए। मल्ला बहुत अच्छा हो लेकिन कश्ती के एक ही तरफ लोग बैठ जाएँ तो कश्ती उलट जाएगी। हम चाहते हैं कि आवाम भी इस तहरीक में सामने में आए। शादी ब्याह के नाम पर आप पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों की तालीम के नाम पर पैसा लुटाने के लिए तैयार नहीं है तो इसके माने बच्चों के सच्चे वालदीन आप नहीं हैं। हमारी सोसाइटी एक किलो चीनी के लिए 5 किलो गेहूं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है इसके लिए सोसाइटी तैयार नहीं है। तो हमारी सोसाइटी को भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारे अखबार वालों को, मीडिया कर्मियों को भी लड़ना पड़ेगा कि मिड डे मील में कीड़ा सिर्फ क्यों है, बल्कि ये कहिए कि बच्चा महीने में स्कूल आया है और कॉपी में कुछ लिखा क्यों नहीं है, ये भी आपको देखने की जरूरत है। सीमांचल सर शिक्षा के स्तर में बहुत निचले पैदान पे है जी, जी। आपने कई बार आवाजें भी उठाई है और इसके लिए क्या पहल किया जा सकता है जो सीमांचल का शिक्षा स्तर? देखिए कई काम करने होंगे, आवाम जब तक बेदार नहीं होगी, चूँकि ये वादा है इस संसार को बनाने वाले का कि जब तक तुम अपने आप को बदलना नहीं चाहोगे हम तुमको नहीं बदलेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जिस दिन हम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे उस दिन टीचर स्कूल पर आने पर मजबूर हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार अदारा खोलने पर मजबूर हो जाएगी जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमें तो बारात में लोग नहीं आए हैं उसकी फिक्र है, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं आया है उसके बारे में फिक्र नहीं हमको। सर ऐसे में आपका तालीमी बेदारी का जो आपने प्रोग्राम रखा है और कर भी रहे हैं, इससे क्या हो सकता है? अब नेक उम्मीदें हम रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होते मेरे पास जो बसात है, अरे एक पौधे को अच्छा बनाने के लिए कोई कोड़ता है उसकी ज़मीन को, कोई इसमें पानी डालता है, कोई इसमें खाद डालता है, तो मुख्तलिफ लोगों को बांट के काम करना है। मेरे पास चुल्लू भर पानी था, इस पौधे को अच्छा पौधा बनाने के लिए हम पानी डाल रहे हैं। और सर क्या पहल किया जा सकता है जो हमारे यहाँ के लोगों का बहुत सारे मसाइल हैं सर जो हल हो पाएगा? अरे वही तो कहा कि बेदारी और अपने हकूक को पहचानना और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना। तालीम हासिल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत का कंपल्सन भी है। अब एजुकेशन का कानून आ गया है लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है। तमाम तर जगहों पर बच्चों की तादाद में टीचर नहीं है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हुए एमए करते हुए लड़का बूढ़ा हो जाता है, जिस एमए में 2 साल लगने चाहिए 7 साल में उनका रिजल्ट आता है। ये सरकार तालीम के मामले में गफलत है और इन गाफिलों की जो तरफदारी करते हैं ऐसे वर्कर्स को भी कहिए कि सरकार को गफलत से जगाए, हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंगा कि इस वक्त गोदी मीडिया का बड़ा चलन हो गया है ना, और सच्चाई को दिखाने से लोग कतराने लगे हैं। सरकार को सच्ची तस्वीर, जनता को सच्ची तस्वीर दिखानी चाहिए, खोजी पत्रकारिता को जगह देनी चाहिए।